तालुका में कुमारी ग्राम पंचायत के सरपंच शिल्पा मारुति केचे के पति मारुति केचे के हस्तक्षेप के कारण गांव में बहुत सारे विकास कार्य ठप्प हो गए और गांव के नागरिक भी हस्तक्षेप के कारण नाराज है। जब संदीप मोहोद उनके कार्यालय गए और उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए मना किया तब सरपंच के पति ने उन्हें पीटा। यह वीडियो वायरल हो रहा है। सरपंच का पति हर कामों में हस्तक्षेप कर कामों में ला रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत में हस्तक्षेप करता हूं क्योंकि मेरी पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उन्होंने सदस्यों को भी यह कहा है कि आप जो कर सकते हैं वो करें, मैं हस्तक्षेप करना जारी रखूंगा। इसलिए जब ग्राम पंचायत सदस्य संदीप मोहोद बुधवार 6 जुलाई को 3 बजे गए और उन्हें कहा कि आप उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इस वक्त सरपंच के पति ने उन्हें पीटा। ये वीडियो भी वायरल हो चुका है। जबकि उसके बाद ग्राम पंचायत सदस्यों ने सीधे पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है। सदस्य संदीप मोहोद ने इनके खिलाफ नागपुर जिला परिषद प्रमुख के पास सरपंच को अयोग्य घोषित करने और उनके पति मारुति केचे पर ग्राम पंचायत कार्यालय में सरकारी काम में दखल देने की शिकायत दर्ज कराई है। मी ग्राम पंचायत सदस्य कुमारी संदीप मोहोद सरपंच शिल्पा मारुति केचे यांच्या हस्तक्षेपामुळे मारुती केचे यांच्या हस्तक्षेपामुळे गावातील विकास कामे खोळंबलेली आहे। गावामध्ये पावसाळा सुरू होऊन सुद्धा सरपंचाच्या पतीच्या हस्तक्षेपामुळे नाल्यासुद्धा साफसफाई करणे दुर्लभ झाले आहे। त्यामुळे नागरिकांच्या घरामध्ये कधी पाणी शिरेल यांचा नेम नाही। तसेच नाल्या तुडुंब भरल्यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी पसरलेली आहे। तसेच सरपंच व पती गावामध्ये अनधिकृत अतिक्रमण करण्यास गावातील काही विशिष्ट नागरिकांना प्रोत्साहित करत आहे। त्यामुळे मी ग्रामपंचायतमध्ये गेलो असता सरपंच पती मारुती केचे यांनी मला ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये मारहाण केली व जीवाशी मारण्याची धमकी दिली। माझ्या जीवाला काही कमी जास्त झाल्यास सरपंच शिल्पा केचे व पती जबाबदार असेल। मी मुख्याधिकारी जिल्हा परिषद नागपूर यांना सरपंच शिल्पा केचे अपात्र घोषित करावे व शासकीय कामात हस्तक्षेप करणाऱ्यांना त्यांच्या पतीवर गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करावी अशी मी मुख्याधिकाऱ्यांना दाद मागितली। VKB News के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट।